नमस्ते दोस्तों, ग्रीन टिप्स एंड एडवाइस चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे सब्सक्राइबर्स के दिए गए कुछ स्टॉक, उन सभी स्टॉक की जो टेक्निकल आउटलुक, अप ट्रेंड लेवल और डाउन ट्रेंड लेवल, उस बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइबर्स ने उन सभी स्टॉक को जो है प्रोवाइड किया है ग्रुप में, क्योंकि आज काफ़ी सारे व्यूअर्स का जो है स्टॉक फंस गया है। तो किसी ने कुछ दिन पहले बाय किया, पोजिशन बना के रखा, तो कोई अगले दिन पोजिशन बनाना चाहते हैं। तो चलिए उस स्टॉक की जानकारी हम देख लेते हैं। तो आगे जाने से पहले आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ, ये वीडियो मेडिकेशन पर्पस बनाता हूँ और जो भी लेवल यहाँ पर मैं पेश करूँगा मेरे खुद की रिचार्ज से, अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी से ट्रेड कीजिए। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं यूपीएल का कंडीशन क्या है। यूपीएल जो है अभी ओवरऑल स्ट्रांगली बाइंग पोजिशन पर है और काफ़ी ऊपर क्लोज हुआ है और एक बुलिश कैंडल लेके क्लोज हुआ है और प्रीवियस कैंडल के ऊपर भी क्लोज हुआ है। 50 डेज क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और रेजिस्टेंस के ऊपर भी ट्रेड कर रहे हैं। तो प्राइस एक्शन जो है अभी फिलहाल अपट्रेंड में है, स्ट्रांगली बाइंग पोजीशन पे है, लेकिन इंडिकेटर बता रहे हैं कि अभी ये ओवरबॉट जोन पे है और कभी भी गिर सकते, गिरने की संभावना है, लेकिन जिस रेशियो पे है अभी वो वहाँ से अभी ऊपर जाने की एक पॉसिबिलिटी है। चलिए उसका लेवल देख लेते हैं, 634 पे क्लोज हुआ है। अगर अगले दिन 640 के ऊपर सस्टेंस करते हैं तो हमें लेवल मिल सकते हैं 650 एंड 655, और अगर ये 628 के नीचे सस्टेंस करते हैं तो हमें लेवल मिल सकते हैं 620 एंड 617। चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं बजाज ऑटो का कंडीशन क्या है। बजाज ऑटो जो है काफ़ी गिरावट आ चुकी है, उसमें काफ़ी गिर गए हैं और गिरने के बाद जो है एक ही लास्ट में एक ही ट्रेडिंग रेंज पे ट्रेड करते हुए एक रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ट्रेड कर रही है और रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ही क्लोज हुआ है। और ओवरऑल अभी ना सेलिंग पे है ना बाइंग पे है, कुछ भी नहीं कह सकते, अभी मीडियम चल रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। तो 2688.10 पे क्लोज हुआ था, अगले दिन अगर ये 2700 के ऊपर सस्टेंस करते हैं तो हमें लेवल मिल सकते हैं 2750 एंड 2800, और अगर ये 2650 के नीचे सस्टेंस करते हैं तो हमें लेवल मिल सकते हैं 2500 का लेवल हमें मिल सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एशियन पेंट के बारे में। चर्चा करने से पहले आप लोगों को और एक जानकारी देना चाहता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फायदा क्या होगा, फ्लैट ब्रोकर इस 20 रुपीज़, अधिक जानकारी के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9862424240 में, मैं आप लोगों को हर तरीके से सहायता करूँगा। चलिए एशियन पेंट का जो कंडीशन है, एशियन पेंट जो है नीचे से गिरावट आई थी और गिरावट से क्या हुआ फ्रेंड्स, नीचे की तरफ से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को और 50 डेज की क्लोजिंग प्राइस को पॉजिटिव ब्रेकआउट करते हुए फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल को भी पॉजिटिव ब्रेकआउट किया और सेकंड रेजिस्टेंस लेवल के नज़दीक क्लोज हुआ है और अभी फिलहाल बाइंग पोजीशन पे है, और RSI और बाकी सारे इंडिकेटर जो है वो भी फिलहाल अभी ओवरऑल बाइंग पोजीशन पे है, तो हम उसे बाइंग लेवल पे मान सकते हैं बाइंग पोजीशन पे है मान सकते हैं, लेकिन लेवल देख लेते हैं क्योंकि हमें ट्रेड की लेवल के हिसाब से ट्रेड करना है और निफ्टी के हिसाब से ट्रेड करना है, बाजार को फॉलो करते हुए ट्रेड करना है। चलिए अभी ये 1433.50 पे क्लोज हुआ है, अगले दिन अगर ये 1445 के ऊपर सस्टेंस करते हैं तो हमें लेवल मिल सकते हैं 1455 एंड 1470। डाउन ट्रेंड लेवल नोट कर लीजिए, डाउन ट्रेंड लेवल अगर ये 1425 के नीचे सस्टेंस करते हैं 1425 तो हमें लेवल मिल सकते हैं 1415 एंड 1400। नेक्स्ट हम बात करेंगे टीवीएस मोटर का कंडीशन क्या है। टीवीएस मोटर जो है आज काफ़ी गिरावट आई, उसमें काफ़ी नीचे गिरे थे और गिरने के बाद फाइनली ये काफ़ी यानी कुछ हद तक जो है एक ऊंचाई तक गया है, अपना एक पोजीशन बनाया है, लेकिन कोशिश किया कि सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए, लेकिन सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट कर नहीं पाया। फिलहाल अभी ये ना बाइंग पे है ना सेलिंग पे, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। प्राइस एक्शन की तरफ से हम कह सकते हैं अभी कुछ हद तक बाइंग पे है और इंडिकेटर भी अभी बाइंग पे है, लेकिन ओवरऑल हम बाइंग कह नहीं सकते, यानी स्ट्रॉन्ग बाइंग पोजीशन पे हम कह नहीं सकते, बाइंग पे है ये हम मान सकते हैं। अगले दिन अगर ये रेजिस्टेंस लेवल को पॉजिटिव ब्रेकआउट करते हैं तो ऊपर की तरफ एक उछाल देख सकते हैं हम, क्योंकि रेशियो जो है RSI का अभी 50 पे है और 50 को क्रॉस ओवर जैसे ही करते हैं और सपोर्ट लेवल को रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेकआउट करते हैं तो ऊपर की तरफ हम उछाल देख सकते हैं। चलो इसका लेवल देख लेते हैं, 543.50 पे क्लोज हुआ है, अगले दिन अगर ये 547 के ऊपर सस्टेंस करते हैं तो हमें लेवल मिल सकता है 555 एंड 565 का। डाउन टर्न लेवल नोट कर लीजिए, अगर ये 538 के नीचे सस्टेंस करते हैं तो हमें नीचे 15-16 पॉइंट का गिरावट देख सकते हैं हम। चलिए अब हम बात कर लेते हैं HDFC
एचडीएफसी का जो कंडीशन है अभी, इसमें भी काफ़ी गिरावट था। पीपीटीज के क्लोजिंग प्राइस को भी ब्रेक डाउन किया, सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक डाउन किया। फाइनली जाके क्या हुआ, लास्ट जो सपोर्ट लेवल है उस सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट करते हुए नज़दीकी रेजिस्टेंस लेवल के नीचे क्लोज हुआ है और 50 डेज क्लोजिंग प्राइस के नज़दीकी लेवल के प्राइस के नीचे क्लोज हुआ है 1970 पे। तो अभी हम ये बाइंग पे है ना, सेलिंग पे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इंडिकेटर का जो दिशा है वो ट्रेंड ऊपर की तरफ है, बाइंग की तरफ जा सकते हैं और बाइंग में जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है तब अगर ये नज़दीकी रेजिस्टेंस लेवल को, दो दो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं। तो चलिए फाइनली हम लेवल को देख लेते हैं, 1970 पे क्लोज हुआ है। अगली दिन अगर ये 1979 के ऊपर सस्टेंस करते हैं तो हमें लेवल मिल सकते हैं 1985 एंड 1990। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाउन ट्रेंड लेवल, अगर ये 1960 के नीचे सस्टेंस करते हैं 1960 तो हमें लेवल मिल सकते हैं 1940 का और 1900। नेक्स्ट हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक, इससे पहले बात किया था एचडीएफसी, अब हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक। इससे पहले और एक जानकारी फ्रेंड्स, मेरे पेड सर्विस है, अगर आप लोग पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए 9862524240 में। तो चलिए अब हम उसका लेवल देख लेते हैं। अब ये ओवरऑल सेलिंग पोजिशन पर हैं और सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल के बीच में ट्रेड करते हुए सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन किया है और RSI और बाकी सारे इंडिकेटर का ट्रेंड भी नीचे की तरफ, ओवरऑल ये नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि 50 डेज की जो क्लोजिंग प्राइस है वो भी बहुत दूर है। तो चलिए इसका लेवल देख लेते हैं, 2151.90 पे क्लोज हुआ था। अगले दिन अगर ये 2100 के नीचे सस्टेंस करते हैं तो हमें लेवल मिल सकते हैं 100 पॉइंट नीचे, और अगर ये 2150 के ऊपर सस्टेंस करते हैं तो हमें लेवल मिल सकते हैं 2150 के ऊपर अगर ये सस्टेंस करते हैं तो हमें लेवल मिल सकते हैं 2170 एंड 2200। चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं SRF, चलिए SRF देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स SRF का कंडीशन देख लेते हैं। SRF जो है अभी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। बहुत ही मज़े की बात क्या है कि बहुत ही नज़दीकी रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल के बीच में क्लोज हुआ है और दोनों का जो लेवल है बहुत नज़दीकी लेवल है। अगर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते तो ऊपर जाएगा और अगर सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करते हुए तो नीचे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और दोनों का लेवल जो है बहुत ही नज़दीक है। और अभी जिस कंडीशन पे क्लोज हुआ है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी ये जिस कंडीशन में क्लोज हुआ, देखिए 1561.90 क्लोज हुआ है। अगले दिन अगर ये 1570 के ऊपर सस्टेंस करते हैं तो हमें लेवल मिल सकते हैं पहले 1585 एंड 1600, और अगर ये 1550 के नीचे सस्टेंस करते हैं तो हमें लेवल मिल सकते हैं 1530 एंड 1525। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाटा स्टील, टाटा स्टील का कंडीशन अभी स्ट्रांगली बाइंग पोजीशन है और काफ़ी ऊपर की तरफ है। प्राइस एक्शन कह रहे हैं कि ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। लास्ट में दो कैंडल जो है, दो कैंडल मिला के भी थर्ड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस के ओपन प्राइस के ऊपर ही क्लोज हुआ है। कोशिश किया नीचे जाने के लेकिन कामयाब नहीं हुआ और नज़दीकी हमें सपोर्ट लेवल भी मिल रहा है और हमें एक अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं नीचे की तरफ से 512 की। तो चलिए 516.50 क्लोज हुआ है। अगले दिन अगर ये 523.50 के ऊपर अगर ये सस्टेंस करते हैं तो हमें लेवल मिल सकते हैं 530 एंड 535, और अगर ये 512 के नीचे सस्टेंस करते हैं तो हमें लेवल मिल सकते हैं 505 एंड 500। नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट PBR, ठीक है। तो फ्रेंड्स PBR के बारे में चर्चा करने से पहले और एक जानकारी देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को इंटरडे लाइव फ्री टिप्स चाहिए तो आप लोग मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं anjantechrecharge.com। आप लोगों को करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग इस वेबसाइट को विजिट करेंगे anjantechrecharge.com। उसके बाद मेनू में क्लिक कीजिए, जैसे आप लोग मेनू में क्लिक करेंगे यहाँ पर इंटरडे टिप्स में क्लिक कीजिए, यहाँ पर मैंने आज भी कॉल प्रोवाइड किया है, दो कॉल प्रोवाइड किया, एक कॉल में टारगेट हो चुका था और मैंने उसका अपडेट भी किया था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड जैसे इंटरनेट इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कॉल मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने कॉल प्रोवाइड किया था, एक कॉल मैंने अपडेट किया, दूसरा मैंने अभी तक अपडेट नहीं किया वो मुझे देखना पड़ेगा, देखने के बाद मैं अपडेट करूँगा। तो इस वेबसाइट को भी आप लोग विजिट कर सकते हैं और मेनू में क्लिक कीजिए, या फिर वन डे बिफोर कॉल में क्लिक कीजिए, या फिर आप लोगों को
स्ट्रांगली बाइंग कॉल, स्ट्रांगली सेलिंग कॉल, अप ट्रेंड कॉल, डाउन ट्रेंड कॉल, वो सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे। 22 तारीख तक अपडेट था, आज मैंने अभी तक अपडेट नहीं किया, आज मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं अपडेट कर दूंगा। यहाँ पर इसको आप लोग विजिट कर सकते हैं, अभी 22 तारीख है देख लीजिएगा, यहाँ पर 23 तारीख होगा जब भी मैं अपडेट करूँगा, ठीक है। डाउन ट्रेंड स्टॉक, बुलिश स्टॉक, स्ट्रांग डाउन ट्रेंड, वेरी बियरिश, वेरी बुलिश, हर तरीके के स्टॉक यहाँ पर मिल जाएंगे। इस स्टॉक में आप लोग जो है ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि बुलिश 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 बाय के लिए मैंने कॉल प्रोवाइड किया, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं पीबीआर। पीबीआर का जो कंडीशन है, एक ही ट्रेडिंग रेंज पे ट्रेड करते हुए क्लोज हुआ है और एक सपोर्ट लेवल के ऊपर काफ़ी टाइम तक, कुछ घंटे तक ट्रेड किया और फाइनली क्लोज हुआ है 50 डेज और इस सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोज आए और ओवरऑल ये सेलिंग पोजिशन पर है। अगले दिन सेलिंग पर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत 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 ज़्यादा है जब तक ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को पॉजिटिव ब्रेकआउट नहीं करता या फिर 50 डेज की क्लोजिंग प्राइस को पॉजिटिव ब्रेकआउट नहीं करता है। लेकिन अभी फिलहाल ये स्ट्रॉन्गेस्ट सेलिंग पोजीशन पे, चलिए उसका लेवल देख लेते हैं, 1149.75 पे क्लोज हुआ है। अगले दिन अगर ये 1160 के ऊपर सस्टेन करती है तो हमें लेवल मिल सकता है 1180, और अगर ये 1142 के नीचे सस्टेंस करते हैं तो हमें लेवल मिल सकते हैं 1130 एंड 1125। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना सही, हमें आशा आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो चुकी है, आज लेट हो चुकी है, आज मैं बाहर हूँ, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों ने जो जो स्टॉक प्रोवाइड किए वो सभी स्टॉक की जानकारी मैं दे चुका हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पेड सर्विस देना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9862524240 में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना सही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।